जैसे ही हाल पूछने में इधर आया गेस्ट के पास अपने, तो इनको पता चला कि सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है तारीख 24 मई और अभी मैं जा रहा हूँ भटवाड़ी। अभी मैं हूँ गांव की मेन पार्किंग में और आज का जो मौसम है बहुत ही शानदार हो रखा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद कई दिनों बाद आज धूप खिली है। यहाँ पे एटीएम है नहीं रैथल में, तो पैसे लेने मुझे एटीएम में जाना पड़ेगा भटवाड़ी में, जो वहाँ से पैसे लूँगा। साथ में अरुण है मेरे, तो चलिए आज के इस व्लॉग में बने रहें। आज का पूरा दिन का दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वहाँ से आने के बाद मैंने एटीएम से पैसे निकाले, क्योंकि अरुण जो जिसके साथ मैं आया बाइक पे, वो अरुण है मेरा भाई, तो उसके साथ वापसी में उसका भाई था और मुझे रजनीश के चाचा मिले थे। उनका वैक्सीनेशन सेंटर जो है गंगनानी पड़ गया था, गंगनानी भटवाड़ी से 14 किलोमीटर ऊपर है, तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ चल ले, क्योंकि वो अकेले थे सिंगल में। तो मैंने सोचा कि चाचा के साथ ऊपर आ जाता हूँ गंगनानी। तो अभी मैं गंगनानी में हूँ और चाचा गए हैं वैक्सीन लगाने, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से घर की ओर निकलेंगे। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। मौसम खराब हो रहा है वैसे धीरे धीरे, तो आई होप कि मौसम खराब होने से पहले हमारा काम निपट जाए और हम सही सलामत जो है, क्योंकि बीच बीच में जो है रास्ते टूटे हुए हैं, रोड जगह जगह से टूटी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर जल्दी से निपट जाता तो फिर हम भी जल्दी से घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उधर साइड तो मौसम साफ है, बट इधर जो ऊपर देख रहे होंगे अगर आप, ऊपर बादल बहुत ज़्यादा आ रखे हैं और कभी भी मौसम खराब हो सकता है। तो एक दोस्त भी मेरा आ रखा है यहाँ पे, इसकी गाड़ी में अभी तक बैठा था, तो वो भी अभी चले गया है। पार्थ मेरा दोस्त है, ये जो रोड है ये उसी के गांव की रोड है, भंगेली में वो रहता है। ये रोड जो है उसी के गांव की, ऊपर से घूम के इस पहाड़ी के ऊपर जाती है। चाचा जो है वहाँ पे टहल रहे हैं, देखो कब तक लगता है। तो फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ रैथल में और शुक्र है कि मौसम खराब होने से पहले पहले हम लोग वहाँ से निकल गए और टाइम पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी मैं जाऊँगा घर पे और आज यहाँ पे एक शादी भी है, उसके बाद ले जाऊँगा आपको सीधे शादी में। जैसे ही हाल पूछने में इधर आया गेस्ट के पास अपने, तो इनको पता चला कि इनकी फ़्लाइट जो है वो इस हफ्ते थी वो कैंसिल हो गई है, और अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए वो यहीं, अब मतलब पता नहीं आगे का क्या प्लान होता है उनका। सोच रहे थे कि गंगोत्री जाएंगे, इस हफ्ते उनकी फ़्लाइट बुक थी, पहले से ही उन्होंने फ़्लाइट का टिकट बुक करा हुआ था, लेकिन अभी उनको पता चला कि फ़्लाइट जो है उनकी कैंसिल हो गई है, क्योंकि इंडिया में कोरोना की वजह से सारी फ़्लाइट्स वगैरह मतलब वो कैंसिल कर दी है। तो देखते हैं क्या निकलता है, कब तक यहाँ पर रहते हैं। अभी वो बता भी रहे थे कि आगे का वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हो रही है कि वो घूम भी नहीं सक रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि घूमें, तो मैं ट्राई करूँगा कि इनको घुमाऊँ ऊपर दयारा हो या कहीं और ट्रैक भी हो। तो देखते हैं क्या निकलता है और आज शाम तक पता चलेगा कि क्या इनका प्लान होता है आगे का। तो ये दोस्त बन चुके हैं इनके, सुबह से इनके साथ बैठे हुए थे और अभी तब से अभी तक वहीं पे बैठे हुए हैं, और अभी का मौसम फिर से बादल बादल बारिश हो सकती है अभी। Thank you.
घोड़ा क्या मस्त ढंग से सजा रखा भाई, बढ़िया से है कोई तो अभी तक हम लोग छत पे बैठे हुए थे, बारात आते हुए देखी और बैठने के लिए फिर अभी यहाँ पे आ गए। पानी वानी पिला दो कुछ, चलो चेस करो, चेस चेस गुड जी आओ, जूस है, जूस चेस गुड जी। अरे यार ये गुड ये पर अपन नहीं है वो को भाई सारे अपन देर टाइम। हाँ तो डोला बन के तैयार कर डैमो भी ये चिल्ला लगाने से। तो शादी में थोड़ा सा काम करने के बाद अभी हम आए हैं रजनीश के घर पे चाय पीने, साथ चाय बनाएंगे तो अभी हम देखेंगे अंदर। दादा नाम रनेश जी, चाय बढ़िया बननी चाहिए ठीक है। टाइम हो रहा शाम के 6 और मौसम भी थोड़ा सा एक बारी के लिए ऐसा हो गया था कि बारिश होने वाली है, बट अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया है। अभी मैं आया हूँ घर पे क्योंकि अंकित छोटा भाई है बगल वाले गांव से क्यारक, तो अंकित को मैंने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर देना था क्यारक के लिए, क्यारक के गांव के लिए। और टाइम लगभग 7 हो चुका है, बारात भी अभी जारी है, लोगों को साउंड आ रहा होगा पीछे से। अभी का जो नजारा है कुछ ऐसा है, मौसम पूरा साफ हो रखा है और चंद्रमा भी आप लोगों को दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, पूरा क्लियर हो गया अभी मौसम। अभी सुबह तक पता नहीं क्या होता है और गेस्ट भी मेरे इधर ही घूम रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइबर बढ़ा दें मेरे थोड़े से। और मिलते हैं आपसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।